गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेक्चर थर्ड हम लोग का हो चुका था नॉन स्टॉप ऑब्जेक्टिव बैच में, अब लेक्चर फोर की बारी है। तो लेक्चर फोर हम लोग कंटिन्यू करते हैं फर्दर, और इसमें भी हम लोग जैसा कि फाइव फाइव क्वेश्चंस का हर एक वीडियो बनता है, तो इसमें भी हम लोग फाइव क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, पाँच क्वेश्चन ही। बस आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के तैयार रहिए और मोबाइल में भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस और भी इम्प्रूव होता है, प्रूव हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। आइए विदाउट लेट किए हुए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। निम्न में से किस में जल परागण होता है? कौन सा ऐसा मतलब जो है पौधा है जिसमें जल परागण होता है? जल परागण का मतलब आप समझते हैं कि परागण का मतलब पहले समझना पड़ेगा। परागण का मतलब ये होता है कि ये कोई एंथर होता है और ये कोई क्या होता है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल करके यहाँ तक आना, इसी को कहते हैं पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे बोला है जल, यानी कि पानी के अंदर एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल करके पानी के अंदर ही स्टिग्मा तक पहुँच रहा है। तो ये कौन हो रहा है, ये किसमें हो रहा है? तो जल परागण इसमें वाटर हाइसिंथ का मतलब होता है जलकुंभी, जिसको हम लोग एक्वेटिक वीड भी बोलते हैं, यानी पानी का या फिर जल का लकड़ी जिसको कहते हैं, घेघुआ जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर दाम जिसको कह लीजिए आप लोग, ठीक है। जलकुंभी ईसोरनिया भी इसका नाम है, या फिर टेरर ऑफ बंगाल भी नाम है इसका, 5-6 नाम है। तो क्या ये आंसर है इसका? दूसरा कह रहा है लोटस। लोटस का मतलब कमल, आप सब जानते हैं कि कमल का फूल भी कहाँ पर खिलता है, पानी में ही खिलता है। क्या वो जल परागण करते हैं? नेक्स्ट हाइड्रिला भी एक प्लांट है जो पानी में ही होता है, और यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, ए एंड बी बोथ, यानी कि वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी और कमल दोनों हो जाएगा आंसर। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, मुझे लगता है कर लिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा क्या? हाइड्रिला। देखिए बच्चों, वाटर हाइसिंथ और लोटस ये दोनों पानी में तो होता है, लेकिन पानी के सरफेस से ऊपर होता है। कहने का मतलब इसमें कीड़ा मकोड़े द्वारा पॉलिनेशन होगा या कीट परागण होगा, और दूसरा चीज वायु परागण भी हो सकता है, एयर पॉलिनेशन भी हो सकता है, यानी कीट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, कीट यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है, और एयर भी ले जा सकता है। चूंकि आप जानते हैं कि पानी में तो होता है, ग्रोथ तो होता है, बट ये पानी के अंदर पॉलिनेशन नहीं होता, यानी पानी के अंदर इसका फ्लावर नहीं होता है, बल्कि पानी के ऊपर वाले सरफेस में होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई वाटर हो सकता है, तो ये हो गया उनका इस तरीके से रह सकता है, ठीक है। इनका फ्लावर ऊपर रहता है, तो ऊपर में तो वाटर पॉलिनेशन हो नहीं सकता है, तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से द्विगुणित, आज मैं द्विगुणित पर एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे भी मैंने जो है क्या बोलते हैं छोटा छोटा पेपर बना करके आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब में, ताकि उसको देख करके भी आप कुछ समझ सके, क्योंकि मैं उसमें भी लिख देता हूँ कि ये सब क्वेश्चंस आने वाला है। तो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब आप जानते हैं 2n, तो इनमें से कौन है 2n देखते हैं। ओवम का मतलब अंडाणु, यानी ये गैमेट है, फीमेल गैमेट अंडाणु। पॉलिन का मतलब होता है पराग। ए एंड बी दोनों, यानी कि पॉलिन और ओवम दोनों ऑप्शन है जायगोट। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? डिप्लॉइड पूछा है 2n, तो मुझे लगता है आप आंसर कर लिए हैं कि 2n कौन हो सकता है, ओनली जायगोट हो सकता है। n ये ओवम भी n है, पॉलिन भी n है, ये दोनों n ही है, 2n नहीं है। जायगोट क्या है? 2n है, क्योंकि ये स्पर्म और ओवम दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा जिनका फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। वायु परागित पुष्प, फिर से परागण पूछा है, यानी वायु द्वारा जब परागण होता है, या वायु परागित पुष्प यानी वैसे फ्लावर्स जिसमें एयर पॉलिनेशन होते हैं, वैसे फ्लावर कैसा होता है? ऑप्शन दिया हुआ छोटा होता है फ्लावर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आकर्षक यानी रंग बिरंगी होता है, तीसरा ऑप्शन रंगहीन होता है, और चौथा ऑप्शन हमारा ए एंड सी यानी छोटा और रंगहीन। सबका मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, इंग्लिश है इसका स्मॉल, इसका होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, और उसके बाद इसका इंग्लिश होता है कलरलेस। क्या होता है इसका? कलरलेस। तो आप बता सकते हैं इसमें
वायु परागित पुष्प, वायु परागण पहली बात तो किस में होता है मैं आपको बता दूं, वायु परागण जो होता है मोस्टली वो घास में होता है यानी ग्रास में होता है। अब आप बता सकते हैं कि घास का फूल जो होता है कितना होता है, छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। क्या वो बहुत कलरफुल होता है, नहीं। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कौन करेगा भाई, कोई कलर होगा तभी तो आप अट्रैक्ट होइएगा। सुंदरता, सुंदरता हम लोग को अट्रैक्टिव करता है ना, कोई सुंदर चीज हो तभी तो हम लोग आकर्षित करते हैं, तो भी अट्रैक्टिव भी बोला है। क्या वो फ्लावर अट्रैक्टिव है, कहने का मतलब सुंदर है जिसकी वजह से हम लोग उसकी और मतलब ये करते हैं, ऐसा हर चीज नहीं है। रंगहीन यानी कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं हो, ये सही होता, ठीक है। तो इसका मतलब छोटा और रंगहीन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। वो क्वेश्चन क्या है, निषेचन क्या है या फिर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, निषेचन क्या है, इस बात को आप सबको जानते हैं अच्छे से। आइए डेफिनेशन के तौर पे हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन ही पूछा है एक्चुअली आप लोगों से कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं यार, फर्टिलाइजेशन है क्या, कौन सा प्रोसेस है, उसमें होता क्या है, वही चीज़ आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, जिसका इंग्लिश है फ्यूजन ऑफ ओवम न्यूक्लियस विद स्पर्म न्यूक्लियस, यानी ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस का आपस में क्या होना, जुड़ जाना, उसको फर्टिलाइजेशन कहा है। ऑप्शन बी में हम लोग देखेंगे अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, मतलब फ्यूजन ऑफ ओवम विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक। नेक्स्ट अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, यानी फ्यूजन ऑफ ओवम विद सिनर्जिड, ठीक है। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन का है कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो आप सब आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, क्या होता है कि ये स्पर्म होता है प्लस ये क्या होता है, ओवम होता है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, ये एन होता है यानी स्पर्म, और ओवम भी क्या होता है, एन होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये दोनों एन मिलकर के टू एन बन जाता है, इसको कहते हैं स्पर्म और इसको कहते हैं ओवम, और इसको क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं इसको, इसको जायगोट कहते हैं। तो यही वाला आंसर है, यानी स्पर्म का न्यूक्लियस, एक्चुअली न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होना कैरियोगेमी भी कहलाता है कभी कभी, ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस, ये जो ऑप्शन कहा है अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन होना, भाई अंडा और सेकेंडरी न्यूक्लियस कभी मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ मिल सकता है कौन, स्पर्म तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस मिल सकता है, स्पर्म और सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलकर के क्या बनाता है जानते हैं, 3N बनाता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है एंडोस्पर्म। क्या नाम है उसका, एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में आप जो है ये चीज पढ़ते हैं, ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो एंडोस्पर्म बनता है। नेक्स्ट सी नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि अंडा तथा सिनर्जिड से, सिनर्जिड भी क्या होता है, फीमेल सेल होता है, और अंडा भी क्या होता है, फीमेल, फीमेल गैमेट, तो ये लोग का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, बाद बाकी आप जो है होशियार है, ये नंबर आंसर कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, 20 नंबर क्वेश्चन है, और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है कि एनोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एनिमोफिली पॉलिनेशन डन बाय विच वन, एनिमोफिली जो एक प्रोसेस होता है, एक पॉलिनेशन का जो वेराइटी होता है, टाइप होता है, वो जो होता है किसके द्वारा होता है, सिंपली आपसे पूछा है, बर्ड्स के द्वारा, बैट के द्वारा, बर्ड्स का मतलब पक्षी या चिड़िया, बैट मतलब चमगादड़, ये भी एक जो है क्या बोलते हैं आप जानते हैं चमगादड़ क्या होता है, पक्षी ही होता है, स्नेल, स्नेल का मतलब घेंगा होता है, एयर का मतलब हवा होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, एनिमोफिली पॉलिनेशन डन बाय विच वन, यानी एनिमोफिली पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर हो जाएगा एयर हो जाएगा। बात बाकी इनका क्या होता है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बर्ड्स में जो होता है वो होता है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो, ऑर्निथोफिली, अगर ऑर्निथोफिली पूछे आपसे तो आंसर कीजिएगा बर्ड्स। बैट अगर पूछता है तो चेरिट्रोफिली, चेरिट्रोफिली। स्नेल पूछता है मलाकोफिली बोल सकते हैं आप,
ईयर पूछता है तो एनिमोफिली, और अगर वाटर पूछे, वाटर अगर हो तो हाइड्रोफिली। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर्स, और मिलते हैं।